फिरोजाबाद के सराय निवासी अपने क्षेत्र के राशन डीलर की मनमानी के चलते काफी परेशान हैं, जिसके चलते आज उन्होंने सैलई पर ही हाईवे जाम किया। लोगों का कहना है कि राशन डीलर सोनवीर मनमाने तरीके से एक तो दुकान खोलता है और फिर जब महिलाएं वहां राशन या गेहूं लेने जाती हैं तो वो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और साथ ही महिलाओं का आरोप है कि सोनवीर अक्सर ही दारू के नशे में धुत रहता है, जिसके चलते लोग उससे काफी परेशान हैं। इसके बाद जब आज लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस को मौके पर आकर ये जाम खुलवाना पड़ा। फिरोजाबाद से अजय शर्मा एवं सहयोगी राहुल शर्मा। कहाँ रहने वाली हो? यही की है। क्या प्रॉब्लम हो? कैसे धरना दिया रहा है? ये यहाँ पे मैं इस्लामी जाम गेहूँ नहीं दे रहा है, सुबह से बैठा हुआ है, नारू बैठा हुआ है 7 बजे से, गेहूँ की खातिर बैठे हुए, राशन नहीं दे रहा है हमको। रोज सोनवीर कहाँ रहता है? ये नहीं रहे, अभी आज नहीं है, कल नहीं, नाइट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, नाइट आएंगे नहीं, अब देंगे नहीं। हमने अभी तो किसी से नहीं करी है। सैलई, प्रेमनगर सैलई। क्या मामला हो रहा है जी? गलियों का मामला है, गलिये में जाए माँ बहन कोई जामे गाली दे, बुरी बुरी गाली दे तो बहुत बुरी। सोनवीर कौन है वो? सोनवीर गल्ले वालों। हाँ, राशन नहीं दे, तीन दारू पिए अब 3 दिन है गए, 3 दिन तो हरेक कंट्रोल पर गल्लो बर्च को जाओ, को भी बटो ना। अब कई बातें सुनो, बोला के जा चाहता शिकायत करनी, मेरे कोई कछु ना कर पावे को नहीं करी। क्यों नहीं किया वो? नो कह दे तो अब दूंगा, सही दूंगा, सही दूंगा, पर वो गल्लो ना दे थोड़े दे। अब जी चाहता वो सही गल्लो दे, गारी गल्लो थे नहीं, माँ बहने देख के हिले थे, प्रेम से बात करे, हम जी चाहते है। बाकी बहू सब है, वो हमें सबर देख के गारी दे तो बहुत बुरी है।